नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिएगा, औसत का एक बेहतरीन शानदार सवाल, एसएससी हो या रेलवे, सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, आता है। इस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, इसको शॉर्ट तरीके से देखेंगे। इसके पहले मैं एक छोटा सवाल लगा रहा हूँ, बहुत ही शानदार सा, इसको देखिए। यहां बोला है कि 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया, परंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पे 79 पढ़ ली गई, सही औसत क्या होगा? यहां आपसे सही औसत पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा यहाँ पे शोर देखने वाले हैं। औसत क्या निकाला गया था पहले ये देखिए। तो जो औसत दिया है वो दिया है 28 यानी 28। अब हुआ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 40 बच्चों का टेस्ट हुआ और टेस्ट का जो औसत निकल के आया वो 28 निकल के आया, ठीक है। लेकिन एक बच्चे के साथ हो गई घटना, क्या हो गई, उसके नंबर आ रहे थे 39 लेकिन उसके लिख दिए मास्टर ने 79। इसको तो मजे आ गए होंगे, समझ रहे हो, यानी 39 नंबर उसके आ रहे थे लेकिन लिख कितने दिए 79, यानी उसके नंबर बढ़ा के लिख दिए हैं। तो हमें क्या करना है, औसत को सही करना है, उसके नंबर वापस कम करने हैं। तो देखो, नंबर बढ़ेंगे या नंबर कम करेंगे, जो भी होगा प्रभाव किस पे पड़ेगा, औसत पे। तो तरीका क्या रहने वाला है उसको समझना। औसत आप जानते होंगे, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है औसत का फॉर्मूला। अभी हमें औसत कितना दिया है, तो सर 28 दिया है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनना। हमें पता चला कि एक संख्या 39 के स्थान पे 79 पढ़ ली गई। आपको करना क्या है, जो सही है ना उसको जोड़ना है और जो गलत है उसको घटाना है। इतना सवाल में पढ़ के पता करना है, जो सही है उसको जोड़ना है, जो गलत है उसको घटाना है। सर मतलब उसको देना कितने थे 39 नंबर, तो दे दीजिए, और उसको दे कितने दिए थे 79, जो कि नहीं देना थे उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो देना है वो प्लस और जो उसको वापस नहीं देने थे वो क्या कर देने हैं, माइनस। यानी 39 नंबर उसके आ रहे थे तो हम लिख देंगे प्लस 39, 79 उसको नहीं देने थे तो लिख देंगे माइनस 79। इसमें भागा दे देंगे पदों की संख्या का, तो पदों की संख्या कितनी है मेरे भाई, तो 40 है, ठीक है। यदि यहां पे मैं घटाता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा माइनस का 40, और यदि 40 को हम 40 से भागा देते हैं, 40 को 40 से भागा देते हैं तो माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1। कुछ नहीं करना है, यदि प्लस में आ रहा है तो औसत में जोड़ देंगे, और यदि माइनस में आ रहा है तो औसत में से घटा देंगे। तो यदि माइनस 1 आ रहा है तो माइनस हम इसमें से 1 कर देंगे, तो जो सही औसत होगा वो हो जाएगा 27। 27 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपको बताता हूं, इसको देखिएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है। क्या बोला है, 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, यानी इस बच्चे के नंबर आ रहे थे 84, इसको दे कितने दिए 48, ना इंसाफी हुई है भैया। दी गई संख्याओं का सही औसत बताइए। तो मेरे भाई, जो आपको औसत पुराना वाला दिया है वो कितना है मेरे भाई, तो आपको औसत दिया है 45 यानी कि 45। संख्याएं कितनी है, तो सर 36 है। अब करना क्या है, एक स्टेप, जो सही है उसे जोड़ दो, जो गलत है उसे घटा दो। क्या कहा मैंने, जो सही है उसे जोड़ दो, जो गलत है उसे घटा दो। तो यानी 84 नंबर देना थे, हम लिख देते हैं प्लस के 84। 84 नंबर देना थे लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया, 48, जो कि नहीं पढ़ना था, यानी ये गलत है, तो इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। सही को जोड़ देंगे, गलत को घटा देंगे। भागा दे देते हैं पदों की संख्या का, पदों की संख्या कितनी है, 36 है। चलिए, यदि यहां हम घटाते हैं तो हमें पता चलेगा यहां पे 14 में से अगर हम लोग 8 घटाएं तो 6 बचेगा, और 7 में से 4 गए तो यहां 3 बचेगा, यानी 36 बचेगा, वो भी प्लस का। और यदि इसको हम 36 से भागा दे दें तो मेरे भाई 1 आएगा, काई का 1 आएगा तो प्लस का 1 आएगा। प्लस का आया है तो कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे, यदि माइनस का होता तो घटा देते, यानी 46 हमारा आंसर हो जाएगा। 46 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको बनाइए, यहां भी ऐसी ही बात बोली है सर, 45 संख्याओं का औसत 39 39 पाया गया,
बाद में पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया, 56 पढ़ लिया गया। सही संख्याओं का औसत बताइए, यानी सही औसत बताइए। अब सबसे पहले जो औसत था मेरे भाई वो कितना है, तो सर हमें वो दिया है 39। कितना दिया है दोस्तों? 39। ओके, अब यहां हुआ क्या, एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया, जो सही है उसे जोड़ दो, जो गलत है उसे घटा दो। तो 65 देना थे, ये नंबर देना था 65 देना था, लेकिन गलती से दे कितना दिया 56 पढ़ लिया, तो 56 को घटा देंगे, 65 को जोड़ देंगे। और भागा किसका देंगे? पदों की संख्या का। पदों की संख्या क्या है? तो 45 है। यदि मैं बताऊं कि प्लस का 65 और माइनस का 56 है, तो रिजल्ट होगा सर 9, वो भी प्लस का। नीचे क्या बच रहा है? 45 बच रहा है। यदि यहां हम कैलकुलेशन कर दें तो 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यानी यहां हो जाएगा 1/5, जिसको आप कन्वर्ट पॉइंट में कर दें तो 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.2। ये प्लस में आया है तो जोड़ेंगे, माइनस में आता तो घटा देते। चलिएगा, तो इसमें हम जोड़ देते हैं 0.2, ये हो जाएगा 39.2। ये आपका आंसर होगा, किस ऑप्शन में मौजूद है मेरे भाई? तो चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। जो भी इसका आंसर है कमेंट करिएगा, ठीक है भाई। और इसके जो भी सवाल है वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।